हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति साहू। आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कुक विद प्रीति साहू में। आज हम बना रहे हैं ये पत्तों के पतोड़े। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होते हैं। इसमें मैंने कुछ ट्रिक्स और टिप्स बताई हैं, तो आप उनको फॉलो कीजिए, जिससे के कारण आपके ये पत्ते के से जो भी खराश होती है वो बिल्कुल भी नहीं लगेगी। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनके तैयार होंगे और खाने के बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इनको मैंने किस तरीके से बनाया है, तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो देखने के बाद पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमने इनको कैसे बनाया। इनके लिए मैंने ये पत्ते ले लिए हैं। ये मैंने क्या एक दिन पहले के हैं, इसलिए थोड़े से हल्के से ग्रीन, पूरी तरीके से हरे नहीं हैं। ये एक दिन पहले के पत्ते थे, तो लेकिन ये ख़राब नहीं हुए थे, तो मैंने इनको बनाया है। और पीछे से ये बिल्कुल मैंने डंठन इनका निकाल दिया है। और यदि पीछे आपकी मोटी है तो आप इसको चक्कू की सहायता से इसको भी आप निकाल दीजिएगा। तो ये ऊपर का डंठन निकाल देना है, और यदि पीछे भी कोई भी नसें यदि हमारी मोटी है तो उनको भी निकाल देना है। और अब यहाँ पे मैंने पानी गर्म होने रखा है और उसके ऊपर एक चलनी रख दी है। अब मैंने यहाँ पे एक कटोरी बेसन लिया हुआ है और उसमें हम कुछ सूखे मसाले हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है बेसन में आधी चम्मच, धनिया पाउडर डाला है मैंने आधी चम्मच, हल्दी पाउडर डाला है एक चौथाई चम्मच और जीरा डाला है इसमें मैंने। और इसको हम अच्छे से मिला देंगे। और इसमें मैंने थोड़ी सी पिंच, एक पिंच मैंने हींग डाली है और अजवाइन को मैंने डाला है। दोनों हाथों से क्रश करके ऐसे रगड़ के मैंने अजवाइन को डाल दिया है इस बेसन में। और इसमें मैंने सौंफ डाल दी है आधी चम्मच, इसको भी मैंने दोनों हाथों से मसल के डाली है। और स्वाद के अनुसार यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है, बेसन के टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और ये मेरा है अमचूर पाउडर। ये वही इंग्रेडिएंट्स है जिसके कारण हमारे गले में खराश नहीं लगती है, तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। आप इसको ज़रूर आप अमचूर पाउडर, एक चम्मच अमचूर पाउडर इसमें डालें। यदि आप अमचूर पाउडर नहीं डाल रहे हैं तो आधा नींबू का रस आप ज़रूर डालिएगा, मतलब एक चम्मच नींबू का रस यहाँ पर आप ज़रूर डालिएगा। पानी डालकर थोड़ा थोड़ा आप पानी डाल के इस तरीके से इसका एक बैटर तैयार कर लीजिए। थोड़ा सा इसका बैटर गाढ़ा ही हमें तैयार करना है। आप देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी किस तरीके से है, क्योंकि हमें गाढ़े पेस्ट से ताकि हमारे पत्तों पे ये लग जाए, इसलिए हमें थोड़ा सा गाढ़ा ही पेस्ट यहाँ पे हमें तैयार करना है। और एक स्पून से लेके आप इसे तरह भर भर के अच्छे से बेसन को पूरे अच्छे से पत्ते में चारों तरफ से फैला दीजिए, कुछ इस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं। इस तरीके से हमें पत्तों पे फैलाना है। तो आप में जो भी ट्रिक्स इस मैंने इसमें बताई आप उनको फॉलो कीजिए, तो आपके भी पत्ते की सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। इस तरीके से आप दोनों पत्तों को इस तरीके से उठा के दोनों साइड से फोल्ड कर दीजिए और उनके ऊपर वापस से इस तरीके से बेसन का पेस्ट लगा दीजिए। तो बहुत ही अच्छे से इस बेसन को हमें लपेटना है कि अच्छे से पूरे से कवर हो जाए हमारे पत्ते। अब इस तरीके से दोनों किनारों को उठा के फिर हम वापस से इनके ऊपर बेसन का पेस्ट लगाएंगे। इस तरीके से हमारे ये पत्तों की सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होती है। अब हम इसी तरीके से इसको फोल्ड कर देंगे, बस तैयार है हमारा। इसी तरीके से हम बाकी के पत्ते भी कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे चलनी ली है पोहा छानने वाली, इसको थोड़ा सा मैंने दो तीन बूंद तेल लगाया है, कुकिंग ऑयल है, उसको मैंने चारों तरफ लगा दिया है और इसके ऊपर मैंने ये पत्ते रख दिए हैं। और इसको हम जो हमने पानी गर्म होने के लिए रखी थी तवेली, उसके ऊपर रख देंगे। पानी का गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे जिससे कि पानी उबलता रहे और ये भाप की स्टीम में हो जाए। इस तरीके से आप देख रहे हैं नीचे स्टीम आ रही है और मैंने दूसरा पत्ता भी मैंने बना के रख दिया है। और इसको कवर कर देंगे, ढक देंगे और 10 मिनट बाद आप देखेंगे तो आप चेक कीजिएगा, स्पून से आप चेक कर लीजिए कि ये बिल्कुल अच्छे से लग गया है। आप फोक लगा के देखेंगे तो इसमें बिल्कुल भी बेसन नहीं आएगा, तो मतलब आपके पत्ते ये बिल्कुल हो गए हैं कुक। आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। इस तरीके से अलग ही समझ में आ जाता है कि हमारे पत्ते बिल्कुल अच्छे से कुक हो गए हैं, बेसन भी हमारा अच्छे से कुक हो गया, आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से हमें चेक कर लेना है। अब इनको हम बाहर निकाल लेंगे एक प्लेट में और इनको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। और ठंडा होने के बाद आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये कुकिंग प्रोसेस हुई है, बहुत ही अच्छे से ये कुक हो गए हैं, पक गए हैं। और इस तरीके से हम इन पतोड़ों को इस तरीके से हम कट कर लेंगे, लंबे लंबे पीसेस इस तरीके से हमें कट करना है, तो ये इनके राउंड शेप हमें मिल जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये सब्जी बनती है। ये हमारे लंच की थाली हो या डिनर की, इसकी साइड रेसिपी है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होती है। तो इस तरीके से मैंने पूरी कटिंग कर ली, आप देख रहे हैं इनके पतोड़ों की। अब हम इनमें तड़का लगाएंगे। तो हमने गैस पे 2 चम्मच यहाँ पे मैंने ऑयल रखा है, ये भी कुकिंग ऑयल है, जो भी आप यूज़ करते हैं वो कर सकते हैं। और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे सफ़ेद तिल डाले हैं, 1 चम्मच मैंने यहाँ पे जीरा डाला है
और हमने जो पतौड़े तैयार कर रहे थे कट के करके तैयार रखे थे उनको डाल देंगे और उनको 2 से 3 मिनट के लिए यहाँ पे हम थोड़ा सा गर्म होने तक उनको पकाएंगे, यहाँ पे चलाएंगे कंटिन्यू, छोड़ना नहीं है ज़्यादा देर तक, नहीं तो ये नीचे लग सकते हैं। अब इसमें हम सूखे मसाले डालेंगे। 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाली है, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाला है, 1/2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है और इनको अच्छे से मिला देंगे ताकि ये मसालों में ये अच्छे से कोटिंग हो जाए हमारे पतौड़े में। और टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक डालेंगे, नमक हमने पहले भी यूज़ किया है तो आप उसी के अनुसार यहाँ पे नमक का यूज़ कीजिएगा। इस तरीके से हमें इसको मिला के और पकाएंगे, 1 से 2 मिनट तक हम चलाएंगे और फ्रेश हरा धनिया की पत्ती डाल देंगे। और यहाँ पे हम 1/2 नींबू का रस, मतलब कि 1 चम्मच यहाँ पे नींबू का रस हम डबल से भी डालेंगे। और वो मैं वीडियो करना भूल गई थी, मैं यहाँ पे मेरा हो नहीं पाया है सूट, तो मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच मैंने नींबू का रस भी डाला था। और इस तरीके से मेरे ये पतौड़े बिल्कुल बनकर तैयार हो गए हैं। आप नींबू का रस नहीं डाल रहे हैं तो आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। इस तरीके से मेरे ये अरवी के पत्ते के पतौड़े बिल्कुल बनकर तैयार हैं। आप इनको इसी बिल्कुल ऐसे भी यदि आप इनका खाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे, और नहीं तो ये आपकी डिनर की थाली हो या फिर लंच की हो तो उसकी साइड रेसिपी है, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।